वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक और बार हमारी हीरोब्राइन वाली सीरीज में। बट इस बार तो भाई हीरोब्राइन ने हमारे साथ बहुत ही गंदा वाला स्कैम किया है। जैसे कि तुम देख सकते हो, अभी मैं R.K.S.M.P के अंदर नहीं हूँ, मैं अभी पता नहीं कहीं तो आ चुका हूँ। एंड पहले वाले एपिसोड के बाद में, मतलब एंड करने के बाद में हमारे साथ कुछ बहुत बुरा सीन हुआ। तो गाइस, सीन ये हुआ था कि हम फ्रेंडली हीरोब्राइन से मिले, और फ्रेंडली हीरोब्राइन से मिले वो सब ठीक था, बट उसने ही हमारे साथ स्कैम कर दिया। उसने मुझे तो यहाँ पे भेज दिया और स्पिरिट को भी वो अपने साथ लेके गया। अब मुझे नहीं पता कि वो स्पिरिट को कहाँ पे लेके गया है, बट मैं को यहाँ पे क्यों छोड़ा उसने मेरे को उसका भी कारण बताया। उसने कहा कि आज मेरे को हीरोब्राइन से फाइट करके हीरोब्राइन को ख़त्म करना है, बट हमको यहाँ पे उसको मारने का सामान मिलेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, बात मान ली, और उसने हमको यहाँ पे, हमको तो नहीं, मतलब मेरे को यहाँ पे डाल दिया। और स्पिरिट अभी कहाँ है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। यार यहाँ पे थोड़ी बहुत चेस्टें हैं, इनको भी पहले एक बार चेक कर लेते हैं कुछ है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बुक एंड क्विल और यहाँ पे कुछ और भी मैप्स दे रखे हैं। ये मैप्स हमारे बाद में काम आएंगे। और कुछ है इन चेस्ट में, इन वाली चेस्ट को चेक कर लिया, ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला इस वाली चेस्ट में। ओके, हमारे पास थोड़ा सा सामान है। एंड हाँ, मेरा गॉड आर्मर वगैरह भी जा चुका है, वो भी हीरोब्राइन ने ले लिया है और यहाँ पे हमको डाल दिया है। भाई ठीक है, बैरल्स के अंदर कुछ है क्या? नहीं, बैरल्स के अंदर कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, जो आर्मर मिला है मैं उसको फटाफट से पहन लेता हूँ। एंड ये हेलमेट भी मिला है, लेट्स गो। एंड अब एक बार हम सबसे फर्स्ट अंदर जाने से पहले स्माइल के अपन पहले थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। एक सेकेंड, मेरे को शील्ड को एक बार हटा दो ताकि मैप हमको अच्छे से दिखे। तो ओके गाइस, यहाँ पे अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक क्रॉस है, एंड आई थिंक सो ये पूरे महल का नक्शा है। तो हमको यहाँ क्रॉस के मत जाना होगा। एंड ये बुक एंड क्विल किस चीज़ की, ये भी हम पहले देख लेते हैं। तो भाई हैंड हमको हिंट दे रखा है, फाइंड वेल। ओके, तो हमको वेल ढूंढनी है, बाकी लेट्स गो भाई। अब हम अंदर चलते हैं। एंड भाई ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है यार, आई डर लग रहा है अभी से। यहाँ पे खैर कुछ है नहीं, बट यहाँ पे भाई ये देखो तुम। ओके, नेदराइट के स्वॉर्ड है भाई, काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है भाई। अब हमको वेल कहाँ मिलेगी पहले तो ये बताओ। यहाँ पे कुछ है? ओके, ऊपर जाने का रास्ता है, चलते हैं भाई। ओके, यहाँ पे कुछ तो है। आर्मर क्या मैं ले सकता हूँ? ओके, पहन लेते हैं भाई, हमारा आधा आर्मर कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे भी बुक पड़ी हुई है, आई थिंक ये वाली हमारे कुछ काम की नहीं है तो इसको इग्नोर करते हैं। एंड यहाँ पे कुछ है, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चेस्ट नहीं खुल रही, पता नहीं क्यों। एंड एक सेकेंड भाई, ये पूरा आपका मैप है। एंड अभी हम शायद तक इस वाली जगह पे हैं। एंड हमारा जो क्रॉस है वो भी कहीं आसपास ही है इसके, जैसे कि आप मैप देख सकते हो ये वाला। हाँ भाई, यानी हम बहुत पास ही हैं। एंड ये वाली भी चेस्ट नहीं खुल रही। ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी एक और चेस्ट है, खैर ये भी नहीं खुल रही। यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है भाई, मिल गई। होनी तो यही चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। हमारी वेल यही होगी, नीचे जाने का रास्ता ये रहा, फटाफट चलते हैं। एंड भाई अबे मैं नीचे गिर गया वेल के। ओ भाई एक सेकेंड भाई, सीक्रेट डोर भाई साहब, बंद करो इसको भाई, अलग ही जगह आ गया है। यहाँ से हमको शिफ्ट होके जाना होगा ना भाई। ये क्या है? तुम देखो भाई, थर्ड पर्सन व्यू में दिख नहीं रहा है बट फिर भी। एंड यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ तोड़ नहीं पा रहा। मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की कि कोई तो सीक्रेट रास्ता है। यार मेरे को शील्ड पहन लेनी चाहिए और अपना क्रॉस को भी मैं लोड कर लेता हूँ। खैर यहाँ पे वैसे तो कोई है नहीं, अंदर जाके देखते हैं। ओके ऊपर जाने का रास्ता है बट ऊपर तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कुछ होगा। हम पहले नीचे इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या हमको मिलता है क्या नहीं, क्योंकि हमको हीरोब्राइन को मारने का सामान चाहिए। मेनली जो हीरोब्राइन है ना रियल वाला, उसको बुलाने का सामान चाहिए। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं भाई। चेस्ट बैरल में कुछ रखा है नहीं, नाइट हेलमेट सी रखा है। अभी यहाँ पे किसी की तो खोपड़ी पड़ी है भाई। यार ये वाला बंद कर दो रूम। एक सेकेंड, यहाँ पे तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। ये क्या है, बैनर पड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब चेयर है बैनर तो क्या ही है। इसको खोल के भाई मिल गया हमको, सारा सामान मिल गया हीरोब्राइन को बुलाने का। एंड ये अभी मैं एज इट इज़ अपनी इन्वेंट्री में रखने वाला हूँ। लेट्स गो, एकदम तरीके से मैं अपनी इन्वेंट्री में लेकर रखने वाला हूँ जैसा इसमें दे रखा है एज इट इज़। भाई अब हीरोब्राइन को फाइट करने में मजा आएगा ना। लेट्स गो, अब हमको कहाँ जाना है? एक सेकेंड, यहाँ पे कोई तो मैप है। ओके गाइस, तो यहाँ पे यार नेदरराइट का आर्मर फुल पड़ा हुआ है, तो यार थोड़ा नेदरराइट का आर्मर पहन लेते हैं। ये वाला आर्मर फिर से इनको ही दे दो। जूते नहीं है, जूते भी पहन लो। ओके अब मैं मतलब नेदरराइट में अपग्रेड हो चुका हूँ। एंड अब यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, तो बाहर निकलते हैं। एंड अरे यार मैं भूल भुलैया मैं फंस जाऊँगा, मैं कहाँ से आया था वहीं पे चलते हैं अपन। एंड आई थिंक सो एग्जिट का रास्ता यही होगा भाई, फटाफट चलो भाई। ओके भाई ये रहा एग्जिट, अभी फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और फ्रेंडली हीरोब्राइन को बुलाते हैं। और भाई इतना जल्दी बाहर भी आ गया मैं तो। लेट्स गो, निकलो भाई। फ्रेंडली हीरोब्राइन हमको इस पहाड़ी के बाजू वाली साइड पर मिलेगा, तो चलते हैं। काफ़ी बड़ा रास्ता है भाई, मेरे पास खाना पीना भी नहीं कुछ भी। ओके गाइस, तो यार मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। भाई यहाँ पे एकदम से पता नहीं क्या सीन हो गया। एंड भाई मेरा सामान वापस आ चुका है बट यार सर्वर बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। एंड तुम देख सकते हो अभी यहाँ पे सर्वर पे फ़िलहाल के लिए तो कोई भी नहीं है। एंड यहाँ पे मैं पता नहीं कौन से तो आइलैंड पे आ चुका हूँ। एंड भाई ये पता नहीं ये क्या बना पड़ा है भाई। भाई लाइटिंग हो रही है यहाँ पे, तो आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्या सीन है। एंड भाई एक सैम्पल है, मेरे को मेरी इन्वेंट्री चेक करने दो। एंड भाई मेरी इन्वेंट्री पूरी गायब हो गई। एंड ये पता नहीं फालतू की चीज़ कहाँ से आ गई। अच्छा ये मरे तो उनकी वजह से आ गई। एंड भाई मेरे पास वो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी हॉट बार में मैंने रख रखी थी वही बस है, बाकी सारी चली गई है भाई साहब। अब एक काम करते हैं, हम हीरोब्राइन को स्पॉन करते हैं। मतलब भाई अब तो आर या पार करके रहेंगे। तो भाई सबसे फर्स्ट हमको जो जो भी चीज़ें चाहिए वो हम सब निकाल लेते हैं। आई थिंक सो हाँ हो गया। एक तो ये ज़ॉम्बीज़ बड़े परेशान करते हैं यार। एंड बाय द वे यार इसको बनाना कैसे था मैं भूल चुका हूँ। हमको यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक रखना है, देन यहाँ पे गोल का ब्लॉक। भाई हमारे गोल्ड का ब्लॉक के क्वेस्ट वेस्ट हो चुका है। एंड भाई अब मुझे हीरोब्राइन से फिर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फ्रेंडली हीरोब्राइन से, ताकि वो मेरे को सामान दे। एंड भाई यहाँ पे क्या सीन है। तो ओके गाइज, अभी भाई हीरोब्राइन मतलब जैसे फ्रेंडली हीरोब्राइन आता तभी ये सारी हट जाती, मतलब ये सारी चीज़ें बंद हो जाती होना। एंड जैसे ही फ्रेंडली हीरोब्राइन चला जाता है ये फिर से स्टार्ट हो जाती है चीज़ें। तो यार फ्रेंडली हीरोब्राइन ने मुझे सारी चीज़ें मतलब 64 स्टैक्स में दी थी। एंड भाई भागो, पहले भागो भाई, हीरोब्राइन आ गया। एंड ये जो है ना ये हीरोब्राइन का क्लोन है भाई। नहीं भाई टोटम ऑफ अंडिंग हाथ में ले लो यार। एंड मुझे हीरोब्राइन मतलब जो अपना फ्रेंडली हीरोब्राइन है उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई है। हमको जो चेस्ट में जो चीज़ें मिली थी वो जस्ट हमको उसको बतानी थी क्या क्या मिली, और अब वो उसने मेरे को बना मतलब जैसे कैसे बनाना है उसको बुलाने के लिए वैसे उसने बता भी दिया है। तो यार सबसे पहले अपन एक अच्छी सी प्लेस ढूंढते बनाने के लिए। एंड भाई ये हीरोब्राइन क्या ही कर रहा है। एंड तुमने एक चीज़ नोटिस की, मैं जैसे ही पेड़ के पास जा रहा हूँ पेड़ की लीव्स देखो भाई पल भर में गायब। एंड सुबह भी होने वाली है, लेट्स गो एक बार सुबह होने दो फिर अपन बनाते हैं हीरोब्राइन को बुलाते हैं। एंड भाई ये जो एक सेकेंड भाई 2x2 का पिरामिड बना पड़ा है यहाँ पे। एंड गाइज ये जो है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हीरोब्राइन अभी हमको जो डरा रहा है वो उसका क्लोन है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो परछाई है भाई हीरोब्राइन की। एंड भाई चलते ही चलते एक विलेज भी मिल चुका है, लेट्स गो भाई हीरोब्राइन का क्लोन फिर से आ गया। एंड ये बाय द वे हमको इतना कुछ भी डैमेज वैमेज तो नहीं करेगा बट फिर भी भाई डर लगता है यार। एंड आई थिंक सो ये विलेज अच्छा है, हम इस विलेज में आराम से कर सकते हैं हीरोब्राइन को बुला सकते हैं और इस विलेज में ख़त्म कर सकते हैं। भाई हीरोब्राइन आ गया, अभी वो इस विलेज को भी चला रहा है। भाई निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लेते हैं। ओके हीरोब्राइन चला जा चुका है। एंड भाई ये एकदम पता नहीं ग्लिच जैसी आवाज़ आती भाई, अलग ही सीन है। एक काम करते हैं यहाँ पे अपन, भाई मौसम एकदम अच्छा है फिर क्या सीन है। और फाइनली सुबह भी हो चुकी है तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई व्हाट द हैक, ये क्या सीन है, अपने आप कैसे टूट रहे हैं। अबे भाई मत टूट यार प्लीज़, मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। रेडस्टोन टॉर्च फटाफट लग जा, यहाँ पे हमको आग लगानी है। एंड देन उसके बाद कोल। अबे एक सेकंड मैंने कुछ तो गलती की है तभी ये टूट रहा है। एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च, यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च, यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च एंड फिर इसके ऊपर कोल। कोल कुछ भी नहीं हुआ, एक और बार ट्राई करता हूँ। भाई कुछ तो गलती हो रही है मुझसे, एक काम करते हैं थोड़े ब्लॉक की हाइट बनाते हैं। एंड ऊपर से डालने के लिए कहा था, आँख के ऊपर से हमको डालना है कोल। कुछ होगा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं उल्टा आँख में और चल रहा हूँ वो बात है। मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ रिगेन करता हूँ। भाई हीरोब्राइन है पीछे की साइड गायब हो गया, नहीं है क्या। भाई इस हीरोब्राइन को देखो कुछ भी नहीं होता। अबे भाई ये क्या था, फिर से यहाँ पे। भाई आई डोंट नो ये क्या सीन है बट मैं इसकी आंखों में देखूंगा कुछ होगा। भाई अलग ही सीन है। एंड यहाँ पे मैंने रेडस्टोन टॉर्च लगा रखी है ना। हाँ, फिर क्यों नहीं आ रहे हीरोब्राइन? मे भी मैंने कुछ तो गलती की है। जब तक हमको ये वाला ब्लॉक नीचे लगाना हो। भाई आगे हट गई। भाई तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये आग लगाई, ये कोल जैसे डाला, अभी बुझ गई थी आग। फिर से आ गया ये हीरोब्राइन। भाई इधर आ बेटे, तू इधर आ। मैं नहीं डरता हीरोब्राइन के क्लोन से। अबे नहीं 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 नहीं, या मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ। आई थिंक सो ये मे बी रात में आए, मे बी हो भी सकता है रात में ही आए। एंड भाई ये क्या, ये अपने आप रिप्लेस कैसे हो रहे हैं? ब्लॉक फिर से लगाओ एंड इसको यहाँ पे आग लगा दो। एंड भाई अभी मेरे को रात होने का इंतज़ार करना होगा। एंड निकल जाए यार हीरोब्राइन के बच्चे। यार मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। इन ब्लॉक्स का यूज़ ले लेते हैं भाई। भाई लेट्स गो, चलो भाई मैं अभी एक घर के अंदर चलता हूँ, सबसे बढ़िया। भाई रात होने का वेट करते हैं सबसे फर्स्ट, फिर हम हीरोब्राइन को बुलाएंगे। ओके गाइस, तो यार रात भी हो चुकी है। एंड भाई ये गेट टूट रहे हैं भाई। एंड इस घर में भी आग लग गई थी, तो मैंने ये वाला घर छोड़ के ये वाला घर ले लिया था। एंड यार हीरोब्राइन सामने है भाई। एंड अभी हम हीरोब्राइन को, मतलब जो रियल हीरोब्राइन है उसको हम स्पॉन करने वाले हैं। भाई यार वो हीरोब्राइन वहीं पे खड़ा है अभी तक। एक सेकेंड भाई, अभी एकदम से ब्लास्ट हो गया। व्हाट द हैक, क्या मेरे को एक बार कोल निकालने दो। भाई कितना कोल है मेरी इन्वेंट्री में, सब एक ही कोल है भाई। इनको एक साथ मिलाओ एंड अब डालो। अबे क्या सीन है भाई, डल जा। भाई पता नहीं सर्वर बहुत लैग हो रहा है। तो ओके गाइस, यार अभी मेरे को पता चला है कि हमको अगर हीरोब्राइन को बुलाना है तो भाई हमको कुछ इस तरीके से टॉर्च रखनी होगी ना कि कोने में। एंड भाई लेट्स गो, अब हमको डलनी है। तो ये क्या वर्क करेगा? नहीं किया। भाई आ गया हीरोब्राइन, ज्वाइन द गेम हीरोब्राइन। भाई पूरी ब्लाइंडनेस मिल चुकी है मेरे को। Why you so man me? Why what the heck? No one has dared to do it. भाई मुझे बहुत गंदा वाला डर लग रहा है। Yet you have. भाई एक तो पढ़ने में नहीं आ रहा है। Prepare to die. भाई नहीं। वो भागो 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 भागो। एक सेकेंड, मेरे पास हीरो आ रहा है भाई, थोड़ी चौड़ तो दिखानी पड़ेगी। एंड ये क्या है भाई, बटन स्टोन किस काम का है? हीरोब्राइन चचा वेयर आर यू? हीरोब्राइन आजा आजा। एंड सर्वर के ऊपर ये बता भी नहीं रहा है भाई। मेरे को विदर अभी मिल गया है, मतलब विदर का इफेक्ट मिल चुका है। हीरोब्राइन लेफ्ट द गेम। फोन का बटन मिला। भाई एज यू कैन सी हीरोब्राइन ज्वाइन द गेम, हीरोब्राइन लेफ्ट द गेम। हमने हीरोब्राइन को फाइनली मार दिया है। ओ भाई गाइस, फाइनली हमने हीरोब्राइन को मार दिया है। एंड भाई अब हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा हीरोब्राइन से रिलेटेड। एंड भाई इस घर में अभी भी आग लगी जा रही है। या एक बार सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सो जाते हैं भाई। उठ भाई, मैं कितने दिन से सोया तक नहीं हूँ। एंड जहाँ पे भी हम सोते ना वहाँ पे रेड स्टोन की टॉर्चेस आ जाती है। लेट्स सी यहाँ पे भी कुछ है। अब यहाँ पे तो रेड स्टोन की टॉर्चेस ही नहीं है और ऊपर से इनका घर चल रहा है। एंड भाई हमने हमारे R.K.S.M.P को फ्री तो करवा दिया है। एंड यहाँ पे देखो भाई हीरोब्राइन का मुँह पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसको लेने के ट्राई करते हैं। ये देखो, एक सेकेंड, ये गायब हो गया। हीरोब्राइन का फेस ही गायब हो गया। भाई पता नहीं क्या सीन है, बट अब हम बिल्कुल। अभी एक सेकेंड, ये क्या है ब्रो? व्हाट? हीरोब्राइन को तो मैंने मार दिया था, फिर ये हीरोब्राइन की कॉपी क्या कर रही है यहाँ पे? एंड वेट एक सेकेंड, भाई मेरी स्क्रीन पूरी काली हो चुकी है। एंड भाई मेरे को क्रीपर की एक्सप्लोजन की आवाज आई। मतलब भाई क्या सीन है यहाँ पे? मेरी पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है भाई। या मेरे को किसी की तो आवाज आ रही है यहाँ पे। आई डोंट नो बट भाई अपने आप ही क्रीपर का ब्लास्ट हो रहा है। एंड मेरे को किसी की आवाज आ रही है और फिर जा रही है। भाई कुछ तो गजब चीज है। अब ये अपन को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।